राजमहल अनुमंडल कार्यालय के समक्ष फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले एसोसिएशन के प्रदेश सचिव मोहम्मद जाकिर हुसैन के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। धरने के दौरान संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने राशन डीलरों की समस्याओं से संबंधित 9 सूत्रीय ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम अधिकारियों को सौंपा। दरअसल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश सचिव मोहम्मद जाकिर हुसैन ने कहा कि सरकार कमीशन वृद्धि, गेहूं, चावल, चीनी, तेल के साथ साथ सरसों तेल एवं दाल की आपूर्ति प्रति माह के लिए स्वीकृत करे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कोरोना संक्रमित राशन डीलरों की मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। धरना समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम 9 सूत्रीय मांग पत्र अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल को भी सौंपा गया। फेडरेशन जो है, फेयर डीलर फेयर एसोसिएशन जो राष्ट्रीय कमेटी हम लोग का है, उसके आदेश अनुसार हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव विशंबर बसु के निर्देशानुसार पूरे भारतवर्ष में आज के दिन एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है 9 सूत्री मांग, डीलर एसोसिएशन का 9 सूत्री मांग मुख्य उद्देश्य है, जो भारत सरकार के सामने हम लोग रखे हैं। भारत सरकार के साथ हमारे कमेटी के राष्ट्रीय कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें 9 सूत्री मांग रखा गया था। उसमें कुछ मांग को भारत सरकार के द्वारा माना गया है और बाकी को अभी सरकार मैंने शिथिलता बरत रही है मानने के लिए, तो उसके लिए हम प्रधानमंत्री को अपना आवेदन हर प्रखंड से, पूरे भारतवर्ष में हर प्रखंड से आज के दिन आवेदन दिया जा रहा है प्रधानमंत्री के नाम। उसमें 9 सूत्री मांग है, उसमें मुख्य रूप से जो मांग है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो हुआ था सरकार के द्वारा, उसमें 440 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन देने का अनुशंसा किया गया था सरकार को, लेकिन सरकार हमारे उस मांग को अभी तक नहीं मांगा है माना है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जहाँ जो अनुशंसा किया गया है 440 रुपया मानदेय अनुशंसा का कमीशन का डीलर को देने के लिए, उसको लागू किया जाए। दूसरा नंबर है चावल, गेहूं और चीनी में हम लोग को हैंडलिंग लॉस होता है, मतलब नापने में शॉर्टेज हो जाता है, वो सरकार मान चुकी है 1 रुपया मैंने 1 किलो प्रति क्विंटल के लिए मान चुकी है सरकार, लेकिन उसको अब तक लागू नहीं किया है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि अविलंब पूरे भारतवर्ष में इसको लागू किया जाए। दूसरा है सभी राज्यों में राशन दुकानों से, राशन दुकानों में कुछ आदमी को खाद्यान्न दिया जाता है, तो हम लोग चाहते हैं कि जिसको खाद्यान्न राशन दुकानों में मिलता है उसको दाल भी मिले, चीनी भी मिले, सरसों का तेल भी मिले, ताकि गरीब को सहूलियत हो। दूसरा चौथा नंबर है कि सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 5 लीटर का सिलेंडर जो है डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से नहीं, राशन दुकानदार के माध्यम से लाभुक को दिया जाएगा, जो अब तक लागू नहीं किया गया है। हम लोग चाहते हैं उसको भी सरकार अविलंब लागू करे। तीसरा है कि हम लोग को प्लास्टिक के बोरा में माल दे देता है, जबकि सरकार का आदेश है कि बोरा डीलर का कमीशन के अंदर आता है, उसमें हम उसको 10 रुपया 15 रुपया बेच के अपना रोजी रोटी बाल बच्चा का भरण पोषण चलाते हैं, लेकिन जब वो प्लास्टिक के बोरा में देता है तो वो नॉन सेलेबल हो जाता है, 2 रुपया 4 रुपया बिकता है, जो हमारा कमीशन में कटौती हो जाता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि पटसन का बोरा ही, जूट का बोरा से ही खाद्यान्न की आपूर्ति किया जाए। सिर्फ छठा नंबर मांग हम लोग का है कि पूरे भारतवर्ष में कोरोना काल में 2 साल में मैंने राशन बांटते हुए बहुत सारे डीलर का मृत्यु हो गया है, इसमें सिर्फ 2 ही राज्य है जो उसका भरण पोषण कुछ दे रहा है, जैसे कि गुजरात दे रहा है 25 लाख का, हाँ, और राजस्थान दिया है 50 लाख का, उसमें उसको। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।